अगर किसी व्हीकल की स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके पास एक्सीलरेशन है, और अगर स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन होता है। ठीक है, ध्यान देना ये है यहाँ पर क्वेश्चन में कि हमसे कह रहा अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट मतलब रुकी हुई है ट्रेन, फिर स्टार्ट हुई है। आगे बोल रहा है अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, और उसने वेलोसिटी पा ली कितने की, 72 किलोमीटर पर आवर की। ऐसा करने में कितना टाइम लगा है, 5 मिनट का टाइम लगा है। तो आपसे कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन बताओ। अगर आप यूनिटों पे ध्यान दो सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। पहले देखो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 / 18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 4 5 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ने गेन कर ली। कितने टाइम में, 5 मिनट में। 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 6 5 56 30, मतलब 300 सेकंड हो गए। 300 सेकंड का समय लगा 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में। तो आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन बता दो, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, तो फाइनल स्पीड तो 20 है, शुरुआत की 0 थी तो 20 ही रहेगी, और ऐसा होने में टाइम कितना लगा है, 300 सेकंड। तो ये तो कम आ रही है बहुत, 10 से 10 कट गया, 200 काटोगे तो 1/15 आ गई, ये तो बहुत कम आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कुछ भी आए, हमारे पास तो ऑप्शन अवेलेबल है, तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। होप सो क्लियर है। अगले क्वेश्चन आपसे बात करते हैं, स्टे ट्यून, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।